आज यौम आशुरा के मौके पर लाखों सोगवारों ने इमाम आली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। आज आशुरा के मौके पर शहर हैदराबाद में जलसे मुनक्किद हुए, जिक्र हुसैन की मजालिस का इनकाद अमल में आया। सबीले लगाई गई नोह कानी की महफिलों का इनकाद अमल में लाया गया। बीबी के आलम का जुलूस अलावा बीबी डबिलपुरे से बरामद हुआ, जो तकरीबन 7 घंटों के बाद मस्जिद इलाही के दामन में चादर घाट पहुंचा। फिर 12 बजे से अलम मुबारक को निकालने की तैयारियां शुरू हुई और तकरीबन 1 बजे अलावा बीवी से जुलूस निकला। हाथी पर मुजावर सवार थे। हाथी के पीछे अंजुमने और मातमी ग्रोहान नुहा पड़ रहे थे। ये जुलूस डबिलपुरे से शेख फैज की कमान आशुरखाना, परी महल आशुरखाना, शहजादा कासिम, याकूतपुरा दरवाजा, संजरी फंक्शन हॉल, एतबार चौक पहुंचा। यहाँ से अंजुमन शहदाए हुसैन का जंजीरी मातम शुरू हुआ। बीबी के अलम का जुलूस कोटला अलीजा मालवाला पैलेस से चारमीनार पहुंचा, जहां पर हजारों सोगवान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत यहां पर मौजूद थे। चारमीनार पुलिस स्टेशन के रूबरू कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने इस्तकबाल करके सेहरा और ढट्टी पेश की। पंजेशाह मुबारक में अलम को सेहरा बांधा गया। इसके बाद यह जुलूस खदमे रसूल पहुंचा, जहाँ पर अलम को उतार कर खदमे मुबारक के पास रखा गया। यहाँ मखसूस मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें निज़ाम ट्रस्ट के जिम्मेदारान मौजूद थे। फिर वहां से होता हुआ जुलूस चादर घाट की तरफ रवाना हो गया। पेश है इस खसूस में बीबी के अलम के जुलूस के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। Thank you.